क्लास सेवन के साइंस का चैप्टर एट जिसका टाइटल है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आज हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर ए बी और सी को सॉल्व करने वाले हैं इस चैनल पर आपको डी ए वी क्लास सेवन के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे सभी को हम सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग करके प्ले लिस्ट में रख दिए हैं तो अगर आप भी डी ए वी में पढ़ते हैं और क्लास सेवन में है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम क्लास सेवन का कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ए को जिसमें कि हमें ब्लैंक्स को फिल करने के लिए बोला गया है सबसे पहला इनकम्प्लीट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट बाय अ नेटवर्क ऑफ कॉल्ड द डैश तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जाइलम क्योंकि जाइलम ही बहुत सारे ट्यूब्स का नेटवर्क है जिससे होकर वाटर और मिनरल प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है डैश इज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन ब्लड ब्लड में रेस्पिरेटरी कैरियर हम लोग किस चीज को बोलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है द अपर चेंबर्स ऑफ हार्ट आर नोन एज डैश वेल द लोअर चेंबर्स आर नोन एज डैश तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे एट्रिया और दूसरे ब्लैंक में हम लोग फिल करेंगे वेंट्रिकल हर टोटल चार चैम्बर्स में बटा होता है ऊपर वाले दो चैम्बर्स को हम लोग एट्रिया ही बोलते हैं और नीचे वाले दो चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं अगला स्टेटमेंट यहाँ पे है डैश इज द मस्कुलर वाल डेट लेंथ वाइज इसका आंसर हो जाएगा सेप्टम क्योंकि सेप्टम ही मसल का बना हुआ एक वॉल होता है जो कि हार्ट को लेंथ वाइज दो बराबर भागों में बांट देता है सबसे अंतिम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू तो इसका आंसर हो जाएगा डिफ्यूज़न क्योंकि डिफ्यूज़न ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं और इसमें एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गेन नहीं पाया जाता है तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर ए में जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स गिवन था सभी को सॉल्व कर लिया अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे जिसमें कि हमें इन सारे स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू या फॉल्स लिखना है बट इससे पहले अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना पाएँ यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू हो जाएगा क्योंकि जो लीफ में फूड बनता है ना फोटोसिंथेसिस के बाद फ्लोएम का ही काम होता है उसको ट्रांसपोर्ट करके एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इन टू द लेफ्ट एट्रियम एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ब्लड हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में जाता है उसके बाद वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है अगला स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड बैक टू द हार्ट तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगा ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड को वेन्स कैरी करता है आर्टरीज नहीं आर्टरीज़ का काम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करना अगला स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ब्लड को जमने में कौन हेल्प करता है तो प्लेटलेट्स ही करता है ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट है द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्लाज्मा ये स्टेटमेंट गलत है प्लाज्मा के कारण ब्लड का कलर रेड नहीं होता है उसके बाद सेवंथ स्टेटमेंट गिवेन है यूरिन इज पास्ट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है यूरिन हमारे बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलता है अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सी को जिसमें कि हमें सही ऑप्शन को टिक करने के लिए बोला गया है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है अ प्रोसेस डेट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन इन यूनी ऑर्गेनिज्म इज तो इसका आंसर हो जाएगा डिफ्यूज़न क्योंकि यूनी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं और उसमें कोई खास ऑर्गेन नहीं होता है किसी सब्सटेंस को बॉडी के अंदर ले जाने के लिए या बॉडी के बाहर ले जाने के लिए तो वहाँ पे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन मेथड से ही होता है सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम क्योंकि जाइलम का ही काम होता है वाटर और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है द ब्लड वेसल हैविंग थिक इलास्टिक वॉल्स आर कॉल्ड तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टरीज क्योंकि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो आर्टरीज के थ्रू ही ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है और जो हमारा हार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है इसीलिए हमारे आर्टरीज का वाल जो होता है बहुत ही मोटा होता है और इलास्टिक होता है तो इसीलिए इसका आंसर आर्टरीज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द ब्लड हैज़ हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा आर क्योंकि आर एक ऐसा पार्टिकल होता है हमारे ब्लड में जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है सबसे अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है यूरिन गेट्स कलेक्टेड इन द तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर क्योंकि हमारे बॉडी में जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है वो यूरिन के फॉर्म में हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ही जाकर जमा हो जाता है तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर ए बी और सी को सॉल्व कर लिया आप जो क्वेश्चन नंबर डी और ई e बचा इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अभी जितना क्वेश्चन आंसर मैंने एक्सप्लेन किया उसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट डी पे जा सकते हो यहाँ पे बस आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होता है और जो भी पीडीएफ अवेलेबल होता है उस चैप्टर के लिए उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाता है मुझसे किसी भी टाइप का डाउट पूछने के लिए आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करना तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो